ब्रिटिश पीएम की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई है। चौथे राउंड की वोटिंग में भी ऋषि सुनक 118 वोट के साथ नंबर एक पर हैं। चौथे राउंड की वोटिंग के बाद अब मुकाबले में तीन उम्मीदवार बाकी बचे हैं। ऋषि सुनक के अलावा अब मुकाबले में इंडस्ट्री के मिनिस्टर पेनी मोर्डेंट 92 और विदेश मंत्री लिज ट्रस को 86 वोट मिले, जबकि पूर्व मंत्री कैमी बैडोनोच को सिर्फ 59 वोट मिले, जिससे वो पीएम की रेस से बाहर हो गए। आज टोरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए पांचवें राउंड की वोटिंग होगी, जिसमें अंतिम दो उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। अगस्त के आखिर में इन दो उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में वोटिंग होगी और फिर 5 सितंबर तक विजेता के नाम का ऐलान हो जाएगा। मतलब ये तय हो जाएगा कि ब्रिटेन का पीएम कौन होगा, इस बात का ऐलान हो जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक पीएम की कुर्सी के लिए टोरी पार्टी में हो रही वोटिंग में लगातार अपनी बढ़त को न सिर्फ बनाए हुए हैं बल्कि इसे बढ़ा भी रहे हैं। पहले राउंड में सुनक को 88 वोट मिले थे, दूसरे राउंड में उनके पक्ष में वोट बढ़कर 101 हो गए, तीसरे राउंड में 115 वोट उनको मिले और चौथे राउंड में उनको मिले वोट का आंकड़ा अब बढ़कर 118 हो गया है। मतलब यह है कि अभी तक सभी राउंड में सुनक की लीड बरकरार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।